हाय गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कल हम लोग गए थे शिकारी देवी और आज हम लोग निकल लिए हैं देव कमरू नाग के लिए। देव कमरू नाग को बड़ा देव भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी आपकी मन की इच्छा होती है, आप अगर देव कमरू नाग के पास उसको लेके जाते हो तो उसको बिल्कुल पूरा करते हैं। सच्ची श्रद्धा से अगर आप लोग जाओगे तो आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। तो आज हम लोग भी जा रहे हैं देव कमरू नाग के दर्शन करने के लिए। और सुना है वहाँ पे एक झील है जिसमें हजारों साल पुराना कोई खजाना है, तो चल के देखते हैं किस तरह की झील है। और कहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा सोना चांदी पड़ा हुआ है, बट किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक, उस खजाने को हाथ लगाने की। हमने जाना है अराउंड 20 किलोमीटर चैल चौक से। बहुत सारी स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अभी आपको हम बताते जाएंगे। थोड़ा सा हम ट्रैकिंग भी करेंगे और जो जो बातें हमें पता चलेंगी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं देखने के लिए क्योंकि रास्ते खुले हुए हैं। पूरा साल नहीं जा सकते, पूरा साल वहाँ पे मतलब कभी बर्फ रहती है तो उस वजह से नहीं जा पाते। आजकल के दिन ही लोग जाते हैं और हम भी जा रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ रास्ता कैसा कैसा है, तो चलते हैं, बने रहिएगा इस ब्लॉग में। गाइस, मंडी सिटी से 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है कमरू नाग देव। और 12 किलोमीटर्स का जो रोड है वो इस तरह का मिलने वाला है हमें। 12 किलोमीटर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज आप लोग देख सकते हैं किस तरह का रोड है। बिल्कुल कच्चा रोड है और काफ़ी स्टीप है और बिल्कुल वन वे रोड है, तो इसमें हमें लगेगा ऑलमोस्ट 1 आवर से लेकर 1.5 आवर लग जाएगा। तो अभी ये रास्ता हम इंजॉय कर रहे हैं और चारों तरफ जंगल है और बीच में हमारी गाड़ी जा रही है। और हम लोगों ने की है इस बार इनोवा, बिकॉज़ यहाँ पे जो रास्ता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, छोटी कार जाना मुश्किल है इस पर। गाइज ऑनेस्टली बताऊँ तो काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम घना जंगल है जिसके बीच में से हम लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि कुछ जंगली जानवर भी मिल जाते हैं कई बार, तो देखते हैं, होपफुली हमें अगर कुछ मिला तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और वैसे काफ़ी मतलब ख़तरनाक सा रास्ता है ये। तो शुरू होने वाली है चढ़ाई, तो चलिए साथ में आपको लेके चलते हैं देव कमरू नाग और देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। चलिए कितनी सुंदर लग रही है और रियल में सुना है कि बहुत ज्यादा सुंदर है। तो चलते हैं और फटाफट से करते हैं ट्रैकिंग शुरू और देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। हमने वॉक करना स्टार्ट किया है और अब चल के देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। और बहुत सुंदर सा ये बना हुआ है रास्ता। जय देव कमरू नाग। चलो जी, इतना सुंदर ये बना हुआ है रास्ता नेचर के बीचों बीच। चारों तरफ फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट पे चलते जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ देव कमरू नाग के बारे में। मंडी के सबसे बड़े देवता हैं और मंडी का जब इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला लगता है तो उसकी शुरुआत ही होती है जब देव कमरू नाग वहाँ पहुँचते हैं। देव कमरू नाग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं लोग देवता कमरू नाग जी में। और बाकी खजाना तो मैंने आपको पहले बता दिया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है और उसको देखेंगे आज चल के। कहते हैं उसमें कोई हिसाब नहीं है कि कितना उसके अंदर खजाना है, कोई माप नहीं सकता, तो एक मिस्ट्री है ये कि कितना बड़ा खजाना होगा। कितने अच्छे नेचुरल पेड़ों की और पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और शांति है यहाँ पे बिल्कुल।
चलते जाना है, चलते जाना है, गाना लगाओ चलते हुए, चलते लोग आ रहे हैं दर्शन करके और उनसे मैं पूछ रही हूँ कि कितना टाइम लगेगा क्योंकि आईवी भी साथ में आई है तो उसको आदत नहीं इतना चलने की। तो कुछ लोग कह रहे हैं 10 मिनट लगेंगे, कुछ कह रहे हैं 15, कुछ कह रहे हैं आधा घंटा। तो देखते हैं चल के कितना टाइम लगेगा अभी, क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो चलते हैं साथ में, बने रहिएगा इस ब्लॉग में एंड आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड इन द ब्लॉग। बहुत सुंदर सुंदर और ऐसे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे, इतने सुंदर पाइन फॉरेस्ट हैं चारों तरफ, बहुत सुंदर लग रहा है और शांति देखो कितनी है। ऐसा लग रहा है हम कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं। जो शिकारी देवी गए थे कल, वहाँ पे भी बिल्कुल अलग दुनिया थी और यहाँ पे टोटली अलग है और इतना अच्छा लग रहा है, शांति फील हो रही है आके, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा होगा, चलिए। ये भी है एक शॉर्टकट भी, यहाँ से हम ये से चलेंगे, बहुत सुंदर। गाइस यहाँ पे चलते चलते देखो हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये देखो ये है ट्री और ये इसकी रूट्स कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है स्टेप्स बनी हुई है ना, बिल्कुल स्टेप्स का वो रूप ले लिया इन्होंने, बहुत सुंदर लग रही है। सबसे पहले ट्रैकर्स वो देखो आगे पहुँच गए हैं, येलो में है, क्या कह रहे हो, पहुँच गए खुद। होने वाले चलिए, लग रहा है कि काले बादल आ गए हैं, बारिश ना हो जाए बस। इस बारिश से याद आया कि जो कमरूनाग देवता है वो मौसम के भी देवता है। जब भी यहाँ पे कहीं सूखा पड़ता है या बारिश नहीं हो रही होती है तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं आराधना करते हैं बारिश करवाने के लिए, और जब देवता उनकी आराधना से खुश होते हैं तो यहाँ पे करवाते हैं झमाझम बारिश। और आज हमारी उनसे ये प्रार्थना है कि जब तक हम ऊपर ना पहुँच जाए प्लीज बारिश ना हो, सो दैट हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस चलते हैं भगवान जी से प्रार्थना करते हुए कि हमें अपने दर्शन करवा दें एक बार। चलो, कमरूनाग देवता मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और मंडी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक्स में से एक है। कहते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे आते हैं, तो चल के देखेंगे आपको और दिखाएंगे किस तरह के नज़ारे हैं। बट आपको यहाँ आने के लिए ट्रैक करना पड़ेगा बाय गाड़ी, आप वहाँ तक आ सकते हो जहाँ तक मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हमने ट्रैकिंग की है और ट्रैकिंग अराउंड 1 किलोमीटर की होगी, बट मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करते करते, थकान हो रही है लेकिन एक्साइटमेंट भी खूब है क्योंकि हमने देखनी है, हमने देखना है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो एक झील में है। तो अपने आप में कितनी अचंभे की बात है ना, ये एक ऐसी झील और कितने ऊंचाई पे जाके है, देखो हम कितने नीचे से आ रहे हैं और ये झील बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा हाइट पर है ये झील। तो ये अपने आप में ही एक यूनिकनेस है, एक चमत्कार है कि इतनी हाइट पर एक झील बनी हुई है। और इस झील का रिलेशन है महाभारत के टाइम से, तो वो आपको वहीं पे चल के बताएंगे, लोकल लोगों से कुछ पूछताछ करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या और इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चलेंगी। चलते हैं, तो हम लोग पहुंच गए हैं देव कमरूनाग और यहाँ पे आते ही हमें मिली है यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं प्रसाद वगैरह की, इधर खाने की हैं फास्ट फूड और यहाँ पे लोग आए हुए काफ़ी सारे, मिठाई की दुकानें यहाँ पे। तो अब हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और अब हम दर्शन कर लेते हैं कमरूनाग देवता के और आप सबको भी करवाते हैं साथ में। कमरूनाग देवता को बड़ा देव भी कहा जाता है और इनको मौसम के देवता भी कहा जाता है। यहाँ पे है देव कमरूनाग का मंदिर और दर्शन हमने कर लिए हैं और अब मैं आपको झील दिखाती हूँ डिटेल में। ये देखिए झील के अंदर दिखाई दे रहे हैं, नोट पड़े हुए हैं और ज़्यादा फोकस करके मैं दिखाऊंगी आपको। तो कुछ कुछ आपको यहाँ पे कॉइन्स दिखाई देंगे और कहते हैं इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर का खजाना है। अपनी लाइफ में मैंने इस तरह का नज़ारा कहीं नहीं दिखा है, कोई इस तरह की झील हो जहाँ पे इस तरह से नोट पड़े हों और सोना चांदी भरा हुआ हो। देखिए कितनी प्यारी ये झील है और कहते हैं कि यहाँ पे कमरूनाग देवता जो हैं वो इस झील की रक्षा करते हैं।
गाइस कमरू नाग देव झील बहुत ज़्यादा सुंदर है और कहते हैं कि इसको भीम ने बनाया था और इसका जो रिलेशन है वो महाभारत के टाइम से है। यहाँ पे यक्ष रहा करते थे और जब भी भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं तो भक्त एज अ ऑफरिंग यहाँ पे सोना चांदी सिक्के जो भी उनको ठीक लगता है वो यहाँ पे आके कमरू नाग देव की झील में चढ़ाते हैं। एंड गाइस ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से चला आ रहा है, इसी वजह से कहते हैं कि इस झील के अंदर बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा हो चुका है। कोई आइडिया नहीं है किसी को कि कितना सोना चांदी सिक्के इस झील के अंदर भरे हुए हैं और हर साल जून के महीने में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है 3 दिन का। तो गाइज यहाँ पे मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, अभी देखो काले बादल हैं और एकदम से अभी धूप आ जाएगी। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बादल आ रहे थे, उस साइड में आप लोग देख सकते हैं सामने वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बादल और कभी धुंध हो जा रही है कभी धूप तेज़ हो रही है, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मौसम है। कहते हैं कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धुंध और कभी भी एकदम से स्नोफॉल हो जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है ये, बहुत ही अमेजिंग वाइब्स है यहाँ पे और ये लेक के अराउंड में इस तरह से यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे आके हमने थोड़ी सी रील्स बनाई, थोड़े से पिक्चर्स लिए। और आप लोग वो रील्स देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग निकल लिए हैं वापस अपने स्टॉप तक जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है और खूब खा पी लिया, दर्शन कर लिए, मजे आ गए, नज़ारे भी इंजॉय कर लिए और ट्रैकिंग भी कर ली। और यहाँ का जो मौसम है वो ऐसे है विद इन सेकेंड्स बदलता है, अभी बारिश है अभी एकदम से धूप आ जाएगी फिर फॉग आ जाएगी, तो ऐसा ही। और हमने देखा एक्चुअली फील किया कि कैसा नज़ारे यहाँ पे बदलते हैं, देखो कितना बढ़िया सिनेमैटिक बहुत सुंदर करेंगे ये देखो। तो हमारे सिपाही निकल चुके हैं अभी और आंखों से देखने वाले नज़ारे की बात ही कुछ और है, आप हाँ। खुद आके देखो और फील करो ये नज़ारे। यस और सारी दुनिया की दौड़ भाग को छोड़ के यस आप आओगे एकदम अलग ही दुनिया में, मजे आ रहस्य में खजाना है और ऐसा लगता है कि छुपा हुआ है कोई इसको छू नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है दुनिया का और ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कि इसके अंदर कितना ज़्यादा सोना चांदी भरा हुआ है, कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते आप। तो हमने तो दर्शन कर लिए और हमें आगे है बहुत ज़्यादा मजे आ गए, हम जल्दी निकल पड़े हैं घर की तरफ हाँ। क्योंकि बहुत ही घना जंगल है जहाँ से हमें निकलना है एंड इट्स वेरी स्टीप, चांसेस हैं कि फिसलते हैं और मिट्टी भी, अगर बारिश आ जाती है तो फिर हम फंस भी सकते हैं, हमारी गाड़ी भी फंस सकती है, तो हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। और ये देखो बहुत नीचे जाना है हमको, हम और एक पहाड़ चढ़ के आए हैं बस, यहाँ पे ये पगडंडी बनी हुई है लेकिन एक्चुअली ये काफी ऊंचा पहाड़ है, इसकी हाइट का मुझे आइडिया नहीं कितना होगा बट काफी ज्यादा हाइट है। चलो आराम आराम से, और कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं खुद फिस ली हूं अभी, आराम से दीक्षु 2 मिनट रुक जाएगी के लिए, रुक जाएगी के लिए तेरे को कैच करने के लिए तैयार है ना, आज मैं कैसे हूं आज मम्मा का हाथ पकड़, जाम पहलवान है तेरे आगे आने आए सारे हेल्प हो गई मेरी ट्रैकिंग करके बट आईवी थोड़ा थक गई है, सुबह इस टाइम हो गया है इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन को अलविदा करने का और कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट ईयर यहाँ आए तो नेक्स्ट ईयर भी एक ज़रूर यहाँ का ट्रिप बनाएं कमरू नाग देव का। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, काफ़ी मज़ा किया हमने, काफ़ी इन्जॉय किया आज फुल डे पिकनिक और आई होप आप लोगों ने भी इस व्लॉग को इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And it's easy, I know your face, I do almost anything. Serious girl, I don't